We'll start with the temperature, the chapter heat. And heat is a form of energy. It makes a substance hot. Heat cannot be seen by us, but heat can be felt by us. Normally, when we say an object is hot or an object is cold, how do you come to know it? We come to know it by touching it. But we have come to know by an experiment, which we have done yourself, that sense of touch is not a very reliable method of finding out whether an object is hot or in cold. So what is more reliable method of finding out whether an object is hot or in cold is temperature. Temperature is the most reliable measure of hotness or coldness of an object. Okay? And this is measured using a device called thermometer. अगर हम कोई ऑब्जेक्ट टच करते हैं विच इज केप्ट ऑन अ बर्निंग स्टोव तो वो हमें हॉट फील होता है तो हम कहते हैं उसका टेम्परेचर हाई है. अगर हम कोई ऑब्जेक्ट जो कि यूटेंसिल जो है विच इज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर अगर हम उसे टच करते हैं और वो कोल्ड फील होता है तो हम कहते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो लो है. दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि हॉट ऑब्जेक्ट हैज हाई टेम्परेचर. हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है दैट हैज हाई टेम्परेचर एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट has low temperature in general. Okay. What is exact temperature? How hot or how cold or what is the high temperature? कितना specific high temperature है, कितना specific low temperature है, ये हम find कर सकते हैं by a device which is or an instrument which is called as thermometer. तो thermometer से हमें exact पता लग जाता है कि कितना हाई और कितना लो या व्हाट इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर. अब टेम्परेचर जो है एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस जिसको कि हम मेजर करते हैं यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस जिसको कि हम डिपिक्ट करते हैं विद अ स्मॉल सर्कल हियर एंड अ कैपिटल सी. ठीक है, ये जो हम इसको मेंशन करते हैं इसको सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं या सेंटीग्रेड भी कहते हैं. इसको ये एक यूनिट है टू मेजर द टेम्परेचर. ठीक है, और देर आर अदर यूनिट्स आल्सो जैसे कि डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन. ठीक है, ये अबाउट डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन सॉरी केल्विन वी विल बी स्टडीइंग इन हायर क्लासेस बट नाउ वी विल कंटिन्यू concentrate more on degree celsius or centigrade. even fahrenheit jo hai scales mein jab hum thermometer humne dekha hai to humne observe kiya hai ki even fahrenheit mein bhi temperature jo hai measure karte hain aur hum log usually when we say 100 degree hum temperature hai to wo degree fahrenheit hai degree celsius nahi hai ye apne yaad rakhna hai. theek hai, ab when we are talking about thermometers quickly we can conclude humne do tarah ke thermometers ke bare mein padhna hai. ek hai clinical thermometer aur dusra hai laboratory thermometer. I'll be showing you this if I'm not able to. are you able to see it? I'm not able to share the screen for you, so I'm showing it on the book. This is a lab thermometer. ये जो lab thermometer है, it is comparatively very long. ठीक है, ये long होता है. There is a bulb. You can see here. This is the bulb here, जिसमें कि mercury filled है. And there is scale. अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो there is a scale also. Can you see it? ये scale जो है, it starts with -10 and ends up at 110. ठीक है, एंड डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है. अगर आप देखेंगे तो एक एक जो मेजर डिविजन्स हैं, दीज डिविजन्स आर ऑफ 10 डिग्रीज. अगर 10 डिग्री की डिविजन है, हम लैब थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, अगर 10 की डिविजन है तो जैसे हमारे स्केल में होता है 1, 2, 3, 4 एंड वन बिगर लाइन देन 1, 2, 3 एंड 4. तो इसका मतलब कि अगर ये 10 डिग्रीज है और ये 20 डिग्रीज है डिग्री सेल्सियस तो ईच ईच जो लाइन है दैट इंडिकेट्स 1 डिग्री. सो इन केस ऑफ अ लैब थर्मोमीटर ईच लाइन स्मॉल लाइन और डिविजन इज 1 डिग्री सेल्सियस. सभी 10 से लेकर ये 15 एंड देन दिस इज 20.
ठीक है. लैब थर्मोमीटर जो होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है और इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर और टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, विद हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन. इसमें ये मेटल या ग्लास के बने होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ लैब थर्मोमीटर्स आर कॉमनली अवेलेबल. जो यूजली हमारा लैब थर्मोमीटर होता है जिसकी आपने रेंज अभी चेक की, दैट इज -10 to 110 degrees Celsius. ये आपने याद रखना है कि इसकी रेंज क्या है, ठीक है. और उसके बाद में आपने याद करना है कि इसमें मर्करी था एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस. इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर बिकॉज इट डज नॉट हैव नो किंक As we'll be studying in clinical thermometer, there is no kink. तो जैसे ही आप बॉडी के कॉन्टैक्ट में रखें, जब तक बॉडी के कॉन्टैक्ट में रहेगा आप उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. जैसे ही आप बॉडी के कॉन्टैक्ट से उसको दूर करेंगे the temperature will start falling down. All right. So in addition to this, there is another precaution. There are certain precautions to be taken while measuring the temperature with a lab thermometer. जब भी हम lab thermometer से स्टडी कर रहे हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो हमने ये ध्यान रखना है कि इट शुड बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट. अगर आपने इसके कॉन्टैक्ट से इसको हटा दिया तो फिर आप उसको मेजर नहीं कर सकते. वर्टिकली आपको उसको हमेशा, वेन एवर यू आर मेजरिंग, यू हैव टू होल्ड द थर्मोमीटर, इट शुड बी वर्टिकली और अपराइट वाइल मेजरिंग द टेम्परेचर, ठीक है. इट शुड नॉट बी टिल्टेड. थर्मोमीटर बल्ब जो है इट शुड बी ऑलवेज सराउंडेड विद द मटीरियल. अगर आप आइस का मेजर कर रहे हैं तो ये अगर आइस क्यूब है तो थर्मोमीटर जो है इट शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द आइस, ठीक है. तो और उसके बाद में थर्मोमीटर बल्ब जो है वो इट शुड नॉट टच द बॉटम, इट शुड नॉट टच द साइड्स आल्सो. ये आपने ध्यान रखना है. थर्मोमीटर जो है वो जब भी आपने रीड करना है तो इन कॉन्टैक्ट करना है, तो जो उसका जहां पर मर्करी लेवल आएगा वो अपनी आई लेवल के ऊपर रख के, अगर आपने ऐसे देखना है तो यू हैव टू सी इट विद योर आई लेवल, ठीक है. अपने आई लेवल पे रख के उसको फिर मेजर करना है. डो नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब. कभी भी बल्ब से ऐसे होल्ड नहीं करना है थर्मोमीटर को, क्योंकि वो गलत रीडिंग देगा फिर. एंड यू हैव टू हैंडल द थर्मोमीटर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो आपको बहुत ध्यान से उसको हैंडल करना पड़ेगा. Now coming to clinical thermometer, जो ज़्यादा आप लोग commonly use करते हैं, clinical thermometer. Clinical thermometer जो होता है, that is a temperature, that is a thermometer which is used to measure the temperature of the human body. ठीक है? Normal temperature of human body is 37 degree Celsius. This is normal. हमारा normal body temperature. So when a person gets fever, उसका body temperature rises and he feels hot. Thermometer is used. This clinical thermometer is used to measure the temperature of the human body. Clinical thermometer जो है हम घर में commonly use करते हैं, doctors use करते हैं. इसमें भी एक long tube है, जैसे कि आप लोगों ने उसमें देखा है. It is the same one and clinical thermometer. I'm sorry beta, I'm not able to share the screen with you. So I'm showing it here. Clinical thermometer आप देख सकते हैं. इसमें भी एक बल्ब है और हम लोगों ने ऑलरेडी ये प्रैक्टिकली करके देख लिया है, अपने हाथों से आपने किया है. तो देयर इज अ बल्ब आल्सो, यू कैन सी हियर देयर इज अ बल्ब एंड यू कैन सी ये जो डार्क कलर का है ना, ये मर्करी थ्रेड है जहां तक वो राइज किया है. और अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो उसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट दोनों में मेंशन है. लेकिन हम कॉमनली जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करते हैं तो हम लोग टेम्परेचर जो है डिग्री फारेनहाइट में बहुत कॉमनली एक्सप्रेस करते हैं, है ना. तो हम नॉर्मल टेम्परेचर जो है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है, इट इज वेरी करता है, बट एवरेज जो है इट इज 37 डिग्री सेल्सियस. ये आपने ध्यान रखना है. इट इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर, एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. बट अदरवाइज क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ तक मेजर कर सकता है? 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज है. 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी रेंज है. क्योंकि इससे बियॉन्ड टेम्परेचर नहीं जा सकता ह्यूमन बॉडी का, मतलब एक लिविंग ह्यूमन बॉडी का इससे बियॉन्ड टेम्परेचर नहीं जा सकता है. तो यही 35 से बिलो नहीं जाता है और 42 से ऊपर नहीं जाता है, इसीलिए ये रेंज रखी गई है. क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक और खासियत है कि उसमें किंक प्रेजेंट होता है. ये आपको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करती हूँ. ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये जो मर्करी फील्ड है
और उसके बाद में यहाँ पर जाके एक थिन सा थ्रेड बनता है एंड देन इट डिप्स लाइक दिस एंड देन इट मेल्ट्स. तो ये जो डिप आता है ना बीच में, कंस्ट्रिक्शन आता है, इसको हम कहते हैं किंक. और ये किंक से क्या होता है, अगर थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर हाइयर है तो हम इसके बियॉन्ड जाएगा एंड व्हेन यू टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ इट विल नॉट फॉल डाउन. लैब थर्मोमीटर में ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहां ये किंक मिसिंग था. तो किंक मिसिंग होने के कारण जैसे ही टेम्परेचर जो आपने बॉडी के कॉन्टेक्ट से थर्मोमीटर हटाया तो टेम्परेचर विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन. बट इन दिस केस वी कैन सेफली कीप इट इनसाइड आवर माउथ, लेट द टेम्परेचर बी नोटेड इन द थर्मोमीटर एंड यू कैन टेक इट आउट एंड देन मेजर इट अकॉर्डिंगली. अब बात ये आती है कि वॉट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन. ठीक है, प्रिकॉशन शुड बी टेकन यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर जब भी आप यूज करेंगे उसको बिफोर एंड आफ्टर यूज आपको उसको वॉश करना है, प्रेफरेबली इन वाटर और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. बिफोर यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर वी शुड इंश्योर कि मर्करी का लेवल इन द ट्यूब शुड बी बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, उसके बाद में क्लिनिकल थर्मोमीटर इज केप्ट, हम लोग इसको आई लेवल पे, अगेन इसको जब हमने रीड करना है अपने आई लेवल पे रखकर हमने इसको रीड करना है. क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड नेवर बी हेल्ड बाय द बल्ब. ठीक है, हैंडल द क्लिनिकल थर्मोमीटर विद केयर. अब इसमें जब आप स्केल मेजर करेंगे, अगर आप स्केल को नोट करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर में, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो रेंज बनी हुई है इट इज अ नॉर्मल, व्हेन यू स्टार्ट विद नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 35 से स्टार्ट हो रही है एंड देन इट इज स्केल सिर्फ बना रही हूँ 35, 36, 37, 38 ऐसे कंटिन्यू करता है. तो इसके बीच में 10 डिविजन्स आते हैं 35 और 36. तो इसका मतलब ईच डिविजन इज 0.1 by 10 degree. 1 by 10 is 0.1 degree Celsius. 0.1 degree Celsius. लैब में क्या था, इट वॉज 1 degree Celsius. यहाँ पर 1/10 दैट इज 0.1 degree Celsius जो है ईच डिविजन जो है इट मेजर्स. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है दोनों तरह के थर्मोमीटर्स टेम्परेचर से मेजर करता है, दैट इज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट. और हम लोगों ने नॉर्मली, और डिग्री फारेनहाइट का क्या है 94 degrees to 108. अगर आपने चेक किया होगा व्हाइल वी वर मेजरिंग 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius, या फिर हम कह सकते हैं 98 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. ठीक है, ये नॉर्मल, सॉरी नाइट नॉट 98, 94. सो दिस इज द नॉर्मल रेंजेस ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, और जब हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो एवरेज नॉर्मल इन डिग्री फारेनहाइट इज 98.4 degree Fahrenheit या फिर 37 degree. ये नॉर्मल एवरेज बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का. ठीक है, ओके. अब अगर आपने एवरेज हम बात कर रहे हैं तो एवरेज मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स का, ये 98.4 या 37 जो है वेरी कर सकता है फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अदर, लेकिन एवरेज इतना है. अब क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे वर्क करता है, जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बल्ब को अपने माउथ में डाला आफ्टर वॉशिंग, सम ऑफ द बॉडी हीट ऑफ द पेशेंट इज ट्रांसफर्ड टू द मर्करी. मर्करी जो है उसमें इट्स अ मेटल, लिक्विड मेटल, एंड देन इट एब्जॉर्ब्स द हीट. एंड जब वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को तो व्हाट विल हैपन, इट विल, हीट मेक्स द लिक्विड मर्करी ऑफ द थर्मोमीटर बल्ब टू एक्सपैंड, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में इंक्रीज करेगा. अब जिसके कारण जो मर्करी थ्रेड है वो इट विल बी पुश्ड इनटू दैट ग्लास ट्यूब के अंदर वो पुश हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग अप. हमें ऐसा लगता है कि इट इज राइजिंग अप. सो हायर द फीवर ऑफ द पेशेंट ग्रेटर विल बी द बॉडी हीट और हेंस हायर विल बी द लेवल ऑफ मर्करी और हायर विल बी द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हायर टेम्परेचर्स बिकॉज इट इज डिजाइन टू मेजर ओनली अप टू 42 degree Celsius. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को कभी भी गलती से भी आप लोगों ने गर्म चाय में, गर्म पानी में नहीं डालना है, क्योंकि द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर और टी, जो आप हॉट कहते हैं, जो हम
वी आर एबल टू सिप एंड ड्रिंक, उसका भी टेम्परेचर अबव 50 या 60 होता है. समझ आ रही बात? तो इसकी तो रेंज सिर्फ 42 का है, इसलिए वो हम उससे मेजर नहीं कर सकते. इट विल गेट स्पॉइल्ड एंड इट विल गेट डैमेज्ड, सो मर्क्यूरी ट्यूब विल ब्रेक देयर. ठीक है, तो अवॉइड कीपिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर इन हॉट सनशाइन और इवन नियर हॉट ऑब्जेक्ट्स. फ्लेम के पास नहीं लेके जाना, इट मे ब्रेक अंडर दीज कंडीशंस. सो नाउ यू हैव कम टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन क्लिनिकल एंड लैब थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उसकी रेंज 35 टू 42 है. लैब थर्मोमीटर की रेंज है -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस. क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक है एंड लैब थर्मोमीटर में देयर इज नो किंक. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है it measures temperature with more accuracy up to 0.01 degree celsius and yahan par wo measure karta hai 1 degree celsius tak. Clinical thermometer jo hai it is designed to measure the temperature of human body only. Lab thermometer jo hai it measures the temperature of all the other objects especially in lab. ab kyunki mercury jo hai it is very poisonous toxic to iska jo it is very difficult to dispose of if the mercury if the thermometer breaks. So there is lot of concern and isiliye these days digital thermometers are available which do not use mercury. And then ye karne ke baad mein the third type of thermometer what we have to read and we'll be studying in another chapter in detail, maximum minimum thermometer. This is the third type of thermometer के बारे में हमने एक और चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है. मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे जो होता है यूजली आफ्टरनून में पहुंचता है. मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ज्यादातर आफ्टरनून में पहुंचता है अराउंड 12 और 4 के बीच में. वेयर एज मिनिमम टेम्परेचर जो है इट इज यूजली इन द अर्ली मॉर्निंग. सो वेदर फॉरकास्टिंग में या अदर मेट्रोलॉजिकल वर्क्स में इट इज नेसेसरी टू नो कि एक दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर कितना गया और लोएस्ट टेम्परेचर कितना गया इन during the whole day. So there is a special thermometer jisko hum kehte hain maximum minimum thermometer which automatically records the maximum and minimum temperatures of the day. And maximum minimum temperature jo hai previous day ka report hota hai in the weather reports. Jaise aap log abhi news mein sunenge garmi aa gayi na, ab hum log news mein sunte hain ki at this particular place the highest sare record tod diye. They will report you in the evening ki aaj itni garmi thi and all the previous records are broken. To wo pata lag jata hai मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. या फिर जब विंटर्स होते हैं तो मिनिमम कितना कितना डिग्री लो गया टेम्परेचर, कितनी ठंड पड़ी, तो वो भी हम वी कैन कम टू नो बाय मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर एंड नेक्स्ट वी हैव टू नो द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और हमने पढ़ लिया है कि हम इसको वी कैनॉट सी इट. ठीक है, तो टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अदर पार्ट और फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वी हैव एक्सपीरियंस्ड एंड वी डू इट नॉर्मली ऑल्सो, वी एक्सपीरियंस इट एक्सीडेंटली ऑल्सो, कि अगर हमने एक स्टील स्पून हॉट मिल्क के कप में रख दिया है तो अगर आप थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो जो हॉट स्पून का एंड है विच इज फ्री इन द एयर वो हॉट हीटअप हो जाता है. ठीक है, वो हीटअप हो जाता है. अगर आपने कोई फ्रेशली कुक्ड फूड है और उसके ऊपर अगर स्टील का लिड है तो अगर आप उसको टच करेंगे तो वो लिड भी गर्म हो जाता है. तो ये जो है कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं विच इट इज इट इंडिकेट्स कि हीट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट या फिर हॉट फ्लेम से इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द कोल्ड यूटेंसिल. ठीक है, सो इन जनरल वी कैन से दैट हीट फ्लोज फ्रॉम एन हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट. दूसरी तरफ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफर है इट ऑल्सो अकर्स फ्रॉम हॉटर एंड ऑफ ए हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर एंड ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसके लिए वी हैड सीन वन एक्टिविटी आल्सो जिसमें कि एक आयरन रॉड के साथ नेल्स अटैच किए थे विद द हेल्प ऑफ वैक्स एंड वी वर हीटिंग ओनली वन एंड ऑफ द आयरन रॉड एंड ऑल द नेल्स व्हिच वर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ वैक्स गॉट रिमूव्ड. सो ये आपने याद रखना है
कि हीट जो है इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट एंड अदरवाइज अ हॉटर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इट गेट्स हीटेड अप. ठीक है, और ये कब तक होता रहेगा? टिल हाउ लॉन्ग दिस हॉट दिस ट्रांसफर ऑफ हीट विल अकर? जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों एंड्स जो हैं सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाते, तब तक इट विल गो ऑन, द फ्लो ऑफ हीट विल गो ऑन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स और द ऑब्जेक्ट्स हैविंग टू डिफरेंट टेम्परेचर्स. तो वो तब तक हीट फ्लो होता रहता है फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड और हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट टिल बोथ द ऑब्जेक्ट्स और बोथ द एंड्स एक्वायर द सेम हीट. इसका मतलब हुआ कि नो हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अनदर इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज सेम. अगर दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम है तो देर विल बी नो हीट फ्लो. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट वॉटर विच इज देर इज एन MCQ also in your back exercise, ki if you are taking an iron ball which is at temperature of 40 degree Celsius, usko hum drop karte hain into a bucket containing water at same 40 degree Celsius, the heat will not flow either from iron ball to water or from water to iron ball because both of them are at same temperature. Ab next question arises ki heat flow kaise hota hai? How does What are the different ways in which heat can be transferred from hot object to cold object? So hot heat can be transferred from hot object to cold object in three different ways. Teen different ways say modes of heat conduction. Okay. Mode of heat transfer. कौन से वो तीन methods हैं जिससे कि heat transfer होती है? पहला method है by conduction. दूसरा मेथड है बाय कन्वेक्शन और तीसरा मेथड है बाय रेडिएशन. वी बी स्टडीइंग अबाउट ईच ऑफ देम इन डिटेल. ठीक है, इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू बेटा बिकॉज वी आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम.